गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं डैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो वी विल बी कवरिंग टुडे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से पहले हमें थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है, और ये क्या चीज़ है। तो इस लेक्चर वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे ऑपरेट करता है, और दूसरा हम देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे और कौन कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको भी हम क्लियरली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है, मतलब गैस का कंटेंट है, वो तो बहुत ज़्यादा होता है। नाउ वी नो डैट इन आर एटमोसफियर अराउंड 78% ऑफ हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेकिन ये नाइट्रोजन क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होती है, तो इसको हम ईजिली क्या नहीं कर पाते, ईजिली यूज़ नहीं कर पाते। तो इस नाइट्रोजन को हमें कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि हमारे लिए क्या हो, यूजेबल हो, ठीक है। अब नाइट्रोजन को असिमिलेट करने की क्या ज़रूरत है, नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्या ज़रूरत है। देखो, चाहे आप फर्टिलाइजर्स देखो, फर्टिलाइजर्स में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा आप आरएनए का स्ट्रक्चर देख लो, आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख लो, आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देख लो, हर किसी में अगर आप देखो तो नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी को और आसपास प्लांट्स वगैरह को, सॉइल वगैरह को नाइट्रोजन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। अब हमें नाइट्रोजन का क्यों चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होती है और ये हम यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपके पास मिल्क है, ठीक है, और आप मिल्क से क्या खाना चाहते हो, खीर खाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप मिल्क नहीं खा सकते, मिल्क अकेला आप नहीं खा सकते, लेकिन आप खीर ही खा सकते हो। तो वही चीज़ है कि आपको क्या चाहिए, खीर चाहिए, और नेचर में अवेलेबल क्या है, मिल्क बना है। तो मिल्क को हमें क्या कन्वर्ट करना है, खीर में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमारे पास प्रोसेस होते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि नेचर में किन चीज़ों से हमारी जो नाइट्रोजन है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कितने तरीके हमारे पास होते हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर मॉलिकुलर नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जाता है अमोनिया के अंदर, और यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज़ करते होते हैं डैट इज़ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ योर मॉलिकुलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ये अमोनिया हमारी खीर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है, ये परफॉर्म करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आते हैं, जिसमें आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले भी आ सकते हैं, ठीक है, फ्री वाले भी आ सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बायोलॉजिकल कौन कर रहा है, ये आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले बैक्टीरियाज भी कर सकते हैं, ये आपके फ्री एनारोबिक बैक्टीरियाज भी कर सकते हैं, और ये एल्गी भी कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एनारोबिक क्यों कर सकता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ना, ये हमारा एक एनारोबिक प्रोसेस होता है, और इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। और ये जो नाइट्रोजिनेज है, ये जो एंजाइम होता है, ये हमारा ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। तो इसलिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस में नाइट्रोजन की रिडक्शन की जाती है, और नाइट्रोजन को रिड्यूस करके उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और ये अमोनिया हम आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने क्या बोला, एज आई सेड,
कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनिया में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम देखने हैं कि एक नाइट्रोजन को, एक नाइट्रोजन से अगर हम दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इसके लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए और हमें 16 एटीपी चाहिए, ठीक है। जिससे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं अमोनिया के और उसके अलावा हमारे 16 एडीपी हमारे पास वापस आ जाते हैं और इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, लिब्रेट होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है, तो ये जो मैंने यह बताया है, दिस इज अ रिएक्शन जो कि हमारी क्या करती है, जो हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारी इसी रिएक्शन से होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखोगे ना, वहाँ पे भी यही रिएक्शन चलती होती है। और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है, डैट इज़ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। अब इस नाइट्रोजिनेस एंजाइम के बारे में जानना CSIR के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इसके पास होता है डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेस, एक इसका ये पार्ट होता है, और दूसरा सिंपली होता है हमारे पास डाई नाइट्रोजिनेस, ठीक है। जो इसका डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेस वाला पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ, जो डाई नाइट्रोजिनेस हमारा रिडक्टेस वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा मॉलिब्डेनम आ जाता है, और जो अकेला डाई नाइट्रोजिनेस वाला होता है इसके अंदर हमारे पास अकेला Fe4S4 का जो कॉम्प्लेक्स है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेस के बारे में अगर हम बताएं तो लिखें तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर हमारा मॉलिब्डेनम और आयरन का कंपोनेंट आ जाता है, और इसके अंदर अकेले डाइनाइट्रोजिनेस के अंदर हमारा, सॉरी, डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस के अंदर ओनली आयरन कंपोनेंट आएगा और इसके अंदर मोलिब्डेनम और आयरन कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या होता है कि जो आपका डाइनाइट्रोजिनेस वाला पार्ट है, जो आपका डाइनाइट्रोजिनेस वाला पार्ट है, इसको MOFE कहते हैं और इसके पास होती है 4 सब यूनिट्स, ठीक है। हर एक सब यूनिट में मॉलिब्डेनम और आयरन का होता है क्लस्टर, ठीक है। अब ये जो हमारा डाइनाइट्रोजिनेस है, ये जो हमारा डाइनाइट्रोजिनेस है, इट इज़ सेंसिटिव टुवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के लिए क्या रहता है, थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है हमारा दिस योर डाइनाइट्रोजिनेस, ठीक है। वेयर एवर जो आपका डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है, जो आपका डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज, ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है डाइनाइट्रोजिनेस से, ठीक है। और उसके अलावा इसमें डाइमरिक फॉर्म होती है। डाइमरिक फॉर्म में भी आप देख सकते हैं Fe4 आप इसको लिख सकते हैं, S4 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी मैंने आपको क्या बात बोली। मैंने आपको बोला कि एक नाइट्रोजन से दो अमोनिया बनाने के लिए, एक नाइट्रोजन से दो अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। और 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट के साथ आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए और आपको 8 हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स भी चाहिए, जिससे आपको दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, किसके, अमोनिया के, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो आपका नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक तो इसके पास होता है लार्ज कंपोनेंट, लार्ज आपका कंपोनेंट होता है, और ये आपका हेट्रोटेट्रामर होता है, हेट्रोटेट्रामर। और ये जो आपका स्मॉलर कंपोनेंट होता है, ये स्मॉलर कंपोनेंट आपका होता है होमोडाइमर। होमोडाइमर मैंने किस चीज़ का बताया, Fe4 और S4 का बताया। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारी थोड़ी सी क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसके कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो इसके अंदर अल्फ़ा बीटा, तो इसका आपके पास हेट्रो
टेट्रामर देखने को मिलेगा। इस हेट्रोटेट्रामर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है आयरन मोको कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपका हेट्रोटेट्रामर वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाले जो हमारा नाइट्रोजिनेज है, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। उसके अलावा जो आपका ये डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है, या जो आपका डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है, इट इज कोडेड बाय NIFH एंड दिस डाइनाइट्रोजिनेस अलोन इज कोडेड बाय NIFD एंड NIFK। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हो गए बिटवीन दीज बोथ, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा, तो हम डिफरेंसेस को एक बार लिस्ट आउट कर लेते ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो हमने किया कि नाइट्रोजिनेस जो कि हमारा नाइट्रोजन को दो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका स्मॉलर कंपोनेंट होता है और एक इसका लार्जर कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि जो स्मॉलर कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज, और ये जो डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है, और दूसरा हमारे पास अकेला क्या होता है, दूसरा होता है डाई नाइट्रोजिनेस। फिर हमने किया कि जो आपका डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है ये किस फॉर्म में होता है, ये होमोडाइमर की फॉर्म में होता है, Fe4S4 का क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। फिर हमने किया कि ये ऑक्सीजन के लिए इनसेंसिटिव होता है डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज, लेकिन डाइनाइट्रोजिनेस अकेला जो है वो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और ये हमारा हेट्रोटेट्रामर की कैटेगरी में आता है, और इस हेट्रोटेट्रामर में आपको आयरन मोको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके आगे हमारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। उसके अलावा डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज इज कोडेड बाय NIFH विच इज नाइट्रोजन के जो फैक्टर्स इनकोड करते हैं, एंड दिस इज कोडेड बाय NIFK एंड NIFD, इन दोनों को, ये दोनों हमारे डाइनाइट्रोजिनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया में, जिसके लिए हमें पता है कि ATP की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है ये क्या करता है, डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज जो है वो ATP की हाइड्रोलाइसिस करवाता है, ये हमारा ATP की हाइड्रोलाइसिस करवाता है, और जो अकेला डाइनाइट्रोजिनेस है वो हमारे नाइट्रोजन को ब्रेक करवाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजिनेस का ये हमारा मेन है जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और हम देखें, तो इस नाइट्रोजिनेस जो हमारा एंजाइम होता है इसको एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो कोफैक्टर है वो मेनली मॉलिब्डेनम है, लेकिन ये कोफैक्टर मॉलिब्डेनम भी हो सकता है, वेनेडियम भी हो सकता है, और उसके अलावा आयरन भी हो सकता है। तो इसको मैं आयरन नाइट्रोजिनेस भी बोल सकती हूँ, इसको मैं वेनेडियम नाइट्रोजिनेस भी बोल सकती हूँ, और इसको मैं मोलीबडेनम नाइट्रोजिनेस भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, तो ये हमारा हो गया किस चीज़ का पार्ट, ये मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रही है। इसका मतलब अगर आप सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ कहीं पे हमारी ये जो ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं, तो ये सपोज मेरी एटमोसफियर की नाइट्रोजन है, तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन तो आप जी ऐसे यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको इसकी करनी पड़ेगी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो आपने कर ली, आपने नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये अमोनिया की बाद में क्या हो जाएगा, सिमुलेशन वगैरह करके प्लांट्स इसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर जब प्लांट की हो जाएगी डेथ, जब प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, तो हमें पता है पहले प्रोटीन्स होंगे डीकम्पोज, फिर प्रोटीन्स डीकम्पोज होके अमाइनो एसिड बनेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास अमोनिया आएगा, जिससे हमारे पास क्या निकलेगा,
ये जो अमोनिया है फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट अमोनिया को यूज़ नहीं कर सकते, वो इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में, फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट की फॉर्म में। अब ये नाइट्रेट की फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, ये प्लांट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को तो नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो जो अमोनिया वाली फॉर्म होती है ना, अमोनियम आयन की जो फॉर्म होती है ना, वो स्लाइटली टॉक्सिक होती है, तो इसलिए प्लांट इसको नहीं कम्पलीट कर पाते। पहले वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसकी रिडक्शन करके इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारे पास अमोनिया, और ये जो अमोनिया बनता है इसको साथ ही साथ जो प्लांट है वो असिमिलेशन में भेज देते हैं। तो हमारा ये हमारा प्रोसेस रहता है। और अगर मैं बायोलॉजिकल साइकिल की बात करूं कि जो साइकिल है वो साइकिल कैसे चलता है, तो पहला प्रोसेस होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये चीज़ आपने कैसे कर दी, आपने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से, आपने अनारोबिक जो बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से क्या कर दिया, रिडक्शन कर दी, इसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर सेकेंड प्रोसेस हमारे पास होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि अमोनिया कोई यूज़ करता है, लेकिन प्लांट्स अमोनिया को नहीं यूज़ करते, वो इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, नाइट्रेट की फॉर्म में वो इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डीनाइट्रिफिकेशन। देखो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा कि ये जो आपने NO3 नेगेटिव ली है, इससे दोबारा से नाइट्राइट बनेगा, फिर दोबारा से अमोनिया बनेगा, और फिर ये जो अमोनिया है वो क्या कर देगा, डीनाइट्रिफाइंग अमोनियम आयन आएगा, ठीक है। देखो पहले नाइट्रेट था, नाइट्रेट से क्या आया, फिर से हमारे पास नाइट्राइट आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा NH3 भी बन सकता है, NO की फॉर्म भी बन सकती है, N2O भी बन सकता है, और नाइट्रोजन भी बन सकती है। मतलब इसको दोबारा से इन्वायरमेंट में क्या करवा दिया जाता है, रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में हमारे पास अगर डिटेल में देखो तो कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर मैं अमोनिफिकेशन की बात करूँ तो अमोनिफिकेशन तो आपको पता लग ही चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना NH4 पॉजिटिव में, ये आपके बैक्टीरियाज भी कर सकते थे और ये आपके फंजाई भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसकी नाइट्रिफिकेशन की, जिसमें तो कुछ देखो कुछ प्लांट्स इस अमोनिया को यूज कर देते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए ये जो अमोनिया होता है ना, ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है, और वो नाइट्रेट की फॉर्म में चीज़ें लेते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और ये जो आपका नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, दिस इज सिंपली ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहले अमोनिया है, अमोनिया की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं इंजाइम्स, यहाँ पे इंजाइम आएगा यहाँ पे इंजाइम आएगा दीज आर AOBs, दैट इज अमोनिया इंजाइम्स हम आगे करेंगे, ठीक है। दीज आर अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज, और इस बैक्टीरियाज में नाइट्रोसोमोनास भी आ जाता है, इसके अंदर नाइट्रोकोकस भी आ जाता है, और इसके अंदर नाइट्रोबैक्टर की एग्जाम्पल भी आ जाती है, और इसके अंदर ये तो चलो बहुत है, नाइट्रोसोस्पायरा की एग्जाम्पल भी आ जाती है। फिर हमने क्या करना है, इस नाइट्राइट को प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, तो फिर से इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, और यहाँ पे जो एंजाइम आएगा डैट इज नाइट्रोबैक्टर आएगा, सेम वे नाइट्रोकोकस भी आएगा, और उसके अलावा
नाइट्रोस्पायरा भी आएगा। देखो दो इंजाइम्स में फर्क देखने को मिलता है, यहाँ पे आता है सेमवे नाइट्रोसोमिनास और बस यहाँ पे आता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे बैक्टीरियाज ने क्या किया, इन बैक्टीरियाज ने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में। अब ये तो हमने बैक्टीरियाज किए हैं, इसके अलावा हम इंजाइम्स देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे इंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और उनका आगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके। ठीक है, फिर हमने थर्ड प्रोसेस के बारे में बात किया। थर्ड मैंने आपको बताया था डैट वॉज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डैट वॉज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में मैंने क्या बताया, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट से फिर से NO2 नेगेटिव, NO बन सकता है, N2O बन सकता है और अगेन नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में दोबारा डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से जाती है, जिसमें नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रोजन में। और ये अभी हमने किया कि ये सब कुछ हमारा एनारोबिक कंडीशन में चलता है, और इसके लिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं बैक्टीरियाज, देखो सारा जो नाइट्रोजन का साइकिल है वो बैक्टीरिया के दम पर ही चल रहा है। इसके लिए स्यूडोमोनास रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए थायोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके लिए हम बोल सकते हैं पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये जो सारे बैक्टीरियाज हैं ये डीनाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें देखी, एक तो हमने नाइट्रोजिनेज के बारे में किया, नाइट्रोजिनेज क्या है, ठीक है, क्या उसके कोफैक्टर्स होते हैं, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज क्या है, डाइनाइट्रोजिनेज क्या है, फिर हमने उसका एरिया देखा था कि किस एरिया से हमें क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ वहाँ पर बतानी रह गई, जैसे कि अगर मैं इसका थोड़ा सा ड्रॉ करूँ कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, देखो हमने रिएक्शन बताई थी कि नाइट्रोजन प्लस 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16 ATP, है ना, ये मिलकर क्या बना रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स बना रहे थे अमोनिया के। और मैंने ये भी बोला था कि ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन का हमारा प्रोसेस है, है ना, यही मैंने बोला था। तो अगर इस प्रोसेस को मैंने इंजाइम्स की फॉर्म में बनाना हो तो कैसा होगा, कि हमारे पास एक तो ये वाला होगा, दिस इज माई स्मॉलर कंपोनेंट, Excuse my dirty drawing, guys. I hope आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे ये कलरफुल पेंस चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो बस साथ में नोट्स बनाते जाओ यार, बोर नहीं होगे। अगर सिर्फ वीडियो को देखते रहोगे ना कि क्या क्या चल रहा है, तो पक्का नींद आएगी और पक्का बोर होगे। साथ में कुछ ना कुछ लिखते रहा करो, ताकि जो आपका माइंड है वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो हमारे पास एक हमारा हो गया स्मॉलर कंपोनेंट और एक हमारा हो गया लार्जर कंपोनेंट। ठीक है, स्मॉलर कंपोनेंट में मैंने क्या बताया कौन था, स्मॉलर कंपोनेंट में Fe4 और S4 था। ठीक है, और दूसरे वाले में आयरन मोको का कॉम्प्लेक्स था, इसका कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था हेट्रो टेट्रामर। ठीक है, और ये था हमारा होमोडाइमर। अब रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे उसमें। तो हमने नाइट्रोजन को क्या देने हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो फेरेडॉक्सिन आएगा, और फेरेडॉक्सिन जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, आयरन के पास, ये आयरन ऑक्सीडाइज से अब क्या हो जाएगा, ये आयरन रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये आयरन जो हमारा है वो क्या करेगा आगे, कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स देके ATP बना देगा। और दूसरी साइड इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफर किया जाएगा, मॉलिब्डेनम आयरन के कॉम्प्लेक्स को, जो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिब्डेनम आयरन रिड्यूस्ड की फॉर्म में। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, नाइट्रोजन को दे देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कुछ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा
टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो कुछ ऐसा इसका प्रोसेस होता है, ताकि कल को आप मुझे बोलो ना कि मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको सारा कुछ बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 8 फेरिडॉक्सिन्स आएंगे, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना है रिएक्शन करने के लिए, और ये 8 फेरिडॉक्सिन को जब इलेक्ट्रॉन्स मिले, ये क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा और क्या बना देगा, आयरन रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आयरन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे मॉलिब्डेनम आयरन के कंपाउंड के पास, जो कि रिड्यूस्ड हो जाएगा, और फिर ये ट्रांसफ़र करेगा नाइट्रोजन को, जो कि फिर एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। ठीक है, सो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसेस द आयरन प्रोटीन बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP टू द आयरन प्रोटीन आर थॉट टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द आयरन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। फिर ये आयरन प्रोटीन रिड्यूस करेगा मॉलिब्डेनम आयरन के प्रोटीन को, और जो फिर फर्दर रिड्यूस करेगा नाइट्रोजन को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि जो नाइट्रोजनेस है वो एनारोबिक कंडीशन में क्यों वर्क करता है। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारी चाहिए होती है, जैसे कि आपने अभी देखा कम से कम 16 ATP हमें चाहिए होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लग जाए तो इन जो हमारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं हो पाता, ये सिचुएशन प्रिवेल नहीं कर पाती। सो ऑक्सीजन बींग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैन डैमेज द साइट्स एंड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट द नाइट्रोजनेस। तो इसलिए हमारे ऑक्सीजन को नाइट्रोजनेस अच्छा नहीं लगता, मतलब नाइट्रोजनेस को भी ऑक्सीजन अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब देखो हमने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। अब इस अमोनिया की क्या होगी, इस अमोनिया की भी सिमुलेशन हो सकती है। प्लांट्स को हमने किस फॉर्म में दिया था, नाइट्रेट्स की फॉर्म में दिया था, वो नाइट्रेट की फॉर्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। ये नाइट्रेट्स जो है वो दे आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स में ये स्टोर कर सकते हैं, रूट्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लीव्स में स्टोर कर सकते हैं। सो आर प्लांट रूट्स एक्टिवली absorb nitrate from the soil via nitrate proton co-transporters। तो इनसे ये क्या करते हैं, उस नाइट्रेट को डायरेक्टली ले सकते होते हैं थ्रू द को ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारी क्या चीज़ें, अब मैं बताने की थोड़ा सा आपको कोशिश करती हूँ। अब हमने करना है देखो मेटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट हमने करना है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या बोल रहे हो, ये क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, समझने की कोशिश करो। देखो कोई भी प्लांट है, प्लांट की हुई मृत्यु, डेथ, जब प्लांट की डेथ होगी, चाहे किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ लगा लो, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो क्या हुआ, कौन आएंगे वहाँ पे, डिकम्पोजर्स आएंगे। डिकम्पोजर्स वहाँ पे आए, उसने प्लांट को डिकम्पोज करना शुरू किया। जब उसने प्लांट को डिकम्पोज करना शुरू किया तो पहले प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन चलो शुरू हो गई, फिर प्रोटीन से उनको मिले अमोनियम आयंस। ठीक है, अब इन अमोनियम आयंस को हमने क्या करना है, इस अमोनियम आयंस को हमने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स लेकर आने हैं। तो जैसे कि हमने किया था कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा नाइट्रोसोमनास, जो कि इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, को कन्वर्ट करेगा NO2 नेगेटिव में। फिर NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा, नाइट्रोबैक्टर आएगा। तो अब हमारा जो सॉइल है, ये सॉइल में NO3 नेगेटिव है, अब इसको कौन ले लेगा, इसको ले लेंगे हमारे प्लांट्स,
तो प्लांट्स के अंदर अब NO3 नेगेटिव पहुंच चुका है। कई प्लांट्स डायरेक्टली NO3 नेगेटिव यूज़ करते हैं, अब NO3 को यूज़ भी कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं वैक्यूल्स के अंदर, इसको रूट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और जो डायरेक्टली NO3 को नहीं यूज़ करते वो किसको यूज़ करते हैं, अमोनियम को यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये बाद में उसकी क्या कर सके, असिमिलेशन कर सके, जो कि हम आगे करेंगे कि ये कैसे अमोनिया को सिमिलेट करते हैं और कैसे आगे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो फिर ये NO3 नेगेटिव की होगी रिडक्शन, अब यहाँ पे होगी रिडक्शन, रिडक्शन से ये आपका NO3 नेगेटिव कन्वर्ट कर दिया जाएगा NO2 नेगेटिव नाइट्राइट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा फर्स्ट स्टेप में, दैट इज योर नाइट्रेट रिडक्टेज। और फिर जब ये नाइट्राइट जो है यहाँ पे जाएगा, दिस विल बी नाइट्राइट रिडक्टेज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका अमोनिया। और इस अमोनिया की बाद में देखो डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकती है, ये एटमॉस्फेयर में वापस भी जा सकता है और ये असिमिलेट भी हो सकता है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्या करेंगे, नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में पढ़ेंगे और असिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास क्या था, NO3 नेगेटिव, उससे हमने NO2 नेगेटिव बनाया, NO2 नेगेटिव से NH4 पॉजिटिव बनाया। यहाँ पे आपका आया नाइट्राइट रिडक्टेज और यहाँ पे आया नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव इस, पहले हम देखेंगे अबाउट नाइट्रेट रिडक्टेज। चलो पहले हम नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में देखते हैं। जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है ना, इट इज़ अ डाइमर। और जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है ना, दिस इज एन मोनोमर। तो आप देखोगे कि इसके पास पहले तो दो सब यूनिट्स होती हैं, मतलब दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं कुछ ऐसा, ठीक है। और इन चेन्स में यू विल ऑब्जर्व कि एक तो यहाँ पे बाउंड होता है मॉलिब्डेनम, 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 मॉलिब्डेनम। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक हीम फैक्टर, ये आपका हो गया हीम वाला फैक्टर, ये हो गया आपका हीम, ये आ गया आपका हीम वाला फैक्टर, ठीक है। और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है FAD, ठीक है। और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा FAD, और ये हो गया FAD, ठीक है। तो एक यहाँ पे मॉलिब्डेनम आ गया, एक यहाँ पे FAD आ गया और एक यहाँ पे हीम आ गया। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, दिस इज मॉलिब्डेनम, 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 दिस इज हीम ग्रुप एंड दिस इज योर FAD, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका N टर्मिनल है और ये आपका C टर्मिनल है, N टर्मिनल हो गया और C टर्मिनल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने NO3 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है किसमें, NO2 नेगेटिव में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रेट रिडक्टेज हमारा क्या है, एक डाइमर है, इसमें तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आएंगे, मॉलिब्डेनम, और एक आपके पास FAD आएगा और एक आपके पास मॉलिब्डेनम आएगा, और हीम मॉलिब्डेनम एंड FAD आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, जो आपका नाइट्रेट रिडक्टेज है, जो हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये साइटोसोल में मिलता है। जो आपका नाइट्राइट रिडक्टेज है, ये हमारा प्लास्टिड के अंदर मिलता है, ठीक है। तो होमोडाइमर है, मॉलिब्डेनम और उससे है, सॉरी ऑक्सीडेशन में नहीं, रिडक्शन में ये यहाँ पे हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन तो पहले हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो डाइमर है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है NADH। तो कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, देखो हमने क्या करना है, हमने NO3 नेगेटिव से
यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज है, नाइट्रेट, और यहाँ पे है नाइट्राइट, ठीक है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज ने क्या करना है, इसने NO3 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है NO2 नेगेटिव में, ठीक है। कैसे करेगा, मतलब NO3 नेगेटिव की रिडक्शन के लिए अगर करवानी है तो NO3 नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है हमारा NADH, NADH, NADH हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन FeD के पास, फिर हीम के पास, फिर मोलिब्डेनम के पास, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे NO3 नेगेटिव के पास। इधर भी आपका सेम प्रोसेस चलेगा, इधर आए, फिर इधर आए, फिर इसके पास जाए, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 नेगेटिव में, ठीक है। सो नाइट्रेट रिडक्टेज ऑफ हायर प्लांट्स दो आइडेंटिकल सब यूनिट से बने होते हैं, जिसमें हमारे पास तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक मॉलिब्डेनम हो गया, एक हीम हो गया, और एक हमारा FAD हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है वो कौन से होते हैं, NADH हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और ये तीनों प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम फैमिली के लिए है, ठीक है, हीम साइटोक्रोम फैमिली से है, FAD FD NADPH की उसमें से है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इसके अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखित में बताना चाहूँ, तो पहली बात ये एक क्या है, ये एक होमोडाइमर है, दूसरा हमने किया इसके पास तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट थे, जिसमें कि हीम आया था, जिसमें FAD आया था, और मॉलिब्डेनम आया था, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, NADPH इसका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा कि हमारा NO3 नेगेटिव से NO2 नेगेटिव बनाने का काम हो चुका है, अब NO2 नेगेटिव से हमने क्या बनाना है, इससे हमने बनाना है अमोनिया। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा नाइट्राइट रिडक्टेज, ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है ये आपका होमोडाइमर होता है, और दूसरी चीज़ इसको क्लोरोप्लास्ट में या फिर प्लास्टिड में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपका अमोनिया होता है ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, तो इसके टॉक्सिक नेचर की वजह से पहले ही इस चीज़ का जो भी ये काम होता है ये हमारा प्लास्टिड के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंगल सब यूनिट है, और सिंगल सब यूनिट किस चीज़ की बनी होती है, Fe4S4 की बनी होती है, ठीक है। सो जैसे कि ये हो गया Fe4S4, सेम वे फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, और इलेक्ट्रॉन्स देके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाएंगे हीम के पास, और हीम से फिर क्या होगा, NO2 नेगेटिव को दिया जाएगा, और ये कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, प्लस दो वाटर को रिलीज करवा देगा, ठीक है। सो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, Fe4S से बना होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या था, NADPH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर फेरिडॉक्सिन भी हो सकता है और NADPH भी हो सकता है, और ये कहाँ पे हो रहा है, प्लास्टिड में हो रहा है, ठीक है। सो अभी हमने दो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया, एक तो था हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज और दूसरा था हमारा नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। जो हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज था उसके बारे में हमने क्या क्या किया, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, तीन उसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, NADH उसका क्या होता है, डोनर होता है, और NADPH उसका डोनर होगा, और ये साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। फिर मैंने देखा NO2 नेगेटिव से जब अमोनिया में जाते हैं तो क्या चाहिए, नाइट्राइट रिडक्टेज चाहिए, ये हमारा होमोडाइमर है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में पाया जाता है, Fe4S4 और हीम इसमें मिलते हैं, तो क्या होता है कि फेरिडॉक्सिन और NADPH दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके रिडक्शन कर सकते हैं। अब देखो एट द एंड हमने क्या बनाया, एट द एंड हमने आपका बनाया अमोनिया, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस अमोनिया की असिमिलेशन, कि ऐसा आप इस अमोनिया से क्या करवा रहे हैं, जो प्लांट है वो कैसे इस अमोनिया को अपने प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट करेगा। तो होता क्या है कि अगर तो आपके पास ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, उसके ऊपर आप अमोनिया रख देते हो,
एटीपी की प्रेजेंस में और इसके ऊपर रिएक्ट करता है ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो इससे क्या बनेगा, इससे आपको बनेगा ग्लूटामीन प्लस एडीपी आ जाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो जीएस हमारा हो गया ग्लूटामेट सिंथेटेज। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि आप लो यहाँ पे देखो, ये जो ग्लूटामेट सिंथेटेज है ना, इसकी दो क्लासेस होती हैं। ये जो ग्लूटामेट सिंथेटेज है इसकी दो क्लासेस होती हैं। एक ग्लूटामीन सिंथेटेज पाया जाता है साइटोसोल के अंदर और एक पाया जाता है प्लास्टिड के अंदर। जो प्लास्टिड के अंदर होता है उसको हम गोगैट एंजाइम बोलते हैं और ये हमारा सिंथेस है। सिंथेस और सिंथेटेज के बीच में फ़र्क पता होगा, सिंथेटेज में एटीपी इन्वॉल्व होती है और सिंथेस के कैटेगरी में एटीपी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ ग्लूटामीन बन गया वहाँ पे, फिर किसकी एक्टिविटी आएगी, गोगैट एंजाइम की एक्टिवेट आएगी। गोगैट क्या करेगा, अगर वहाँ पे ग्लूटामीन का अमाउंट ज़्यादा हो चुका है उसको रिएक्ट करवाएगा 2-ऑक्सोग्लूटारेट के साथ और यहाँ पे दोबारा से क्या बना देगा, ग्लूटामेट के दो मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब ये केस कब है, जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गोगैट प्रेजेंट है। गोगैट भी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लूटामीन सिंथेस। गोगैट की फुल फॉर्म अगर हम देखें, दिस इज ग्लूटामीन, ग्लूटामीन 2-ऑक्सो ग्लूटामीन 2-ऑक्सो ग्लूटारेट ग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफिरेज अमाइनो ट्रांसफिरेज। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोगैट। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप अमोनिया को रिएक्ट करवाओगे 2-ऑक्सो ग्लूटारेट के साथ, जो कि अभी भी करवाया है, सेम वे क्या बना देगा, ग्लूटामेट बना देगा। जैसे कि किसने करवाया, गोगैट ने करवाया, वैसे ही अगर आप ग्लूटामेट को ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाते हो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा एस्पार्टेट प्लस 2-ऑक्सो ग्लूटारेट। ऐसे ही अगर आप अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ऐड करवाते हैं, यहाँ पे होगी आपकी NADH आएगा रिडक्शन एंड इट विल फॉर्म ग्लूटामेट। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरियाज और एक हमारे पास होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। सिम्बायोटिक में जैसे कि हम राइजोबियम करते हैं कि जो राइजोबियम है वो लेग्मिनियस प्लांट्स में रहता है। ठीक है, और जो सेकंड कैटेगरी होती है वो हमारी सिम्बायोटिक कैटेगरी है जिसमें हम राइजोबियम के बारे में करते हैं। फ्री वाली कैटेगरी में आपके पास एनाबीना की एग्जाम्पल आ जाती है, नॉस्टॉक की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल आ जाती है। ये सारे होते हैं हमारे फ्री लिविंग वाले। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि साइनोबैक्टीरिया में जो एनारोबिक कंडीशंस है वो मेंटेन होती हैं थ्रू हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट हमारे थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे आपके नाइट्रोजन की फिक्सेशन वगैरह वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक हमारे पास आते हैं एनामोक्स। एनामोक्स का मतलब होता है एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन। ये यूजली सीवेज वाटर ट्रीटमेंट्स वगैरह में काफ़ी जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन होती है जहाँ पे अमोनिया प्लस नाइट्राइट मिलकर नाइट्रोजन प्लस वाटर, अब ये नाइट्रोजन जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती है, है ना। तो इसके लिए जो हमारे बैक्टीरिया ये काम करवाते हैं, ये प्लैंकोमाइसीट्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ गई जेटिनिया, एग्जांपल जेटिनिया हो गया, ठीक है, देन स्कैलिंडुआ हो गया। कुछ हमारी मरीन स्पीशीज हैं इसमें, कुछ हमारी फ्रेश वाटर की स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये 30-50% जो नाइट्रोजन गैस है इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है ओशन में। तो हमारे पास क्या है कि एनामोक्स में क्या है,
एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन। अमोनिया की ऑक्सीडेशन कैसे करवाई? नाइट्राइड की एडिशन से, जिससे नाइट्रोजन और वाटर हमारे पास बन गया। ठीक है, तो सिंपली पहले आपके पास नाइट्राइड था, फिर उसके बाद क्या आया? नाइट्राइट रिडक्टेस। नाइट्राइट रिडक्टेस से क्या होगा? NO प्लस अमोनिया। फिर यहाँ पे आता है HZS, हाइड्राजीन सिंथेस, जो किसको कन्वर्ट करता है? हाइड्राजीन में। फिर हाइड्राजीन डिहाइड्रोजनेज आएगा, जो कि N2 बना देगा। और ओवरऑल रिएक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमने इम्पॉर्टेंट समरी अगर देखे तो क्या पढ़ा? पहले हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखा, जिसमें हमने नाइट्रोजन से दो अमोनिया बनाया। हमने देखा ये हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कर सकते हैं और ये हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या यहाँ पे किया था? हमने यूज़ किया था डाई नाइट्रोजिनेस। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि डाई नाइट्रोजिनेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स होता है? स्मॉलर और लार्जर कंपोनेंट्स का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें आयरन मोको कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा गया, Fe4S4 कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा गया, इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में स्टडी किया। फिर हमने नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी किया, ठीक है, जिसमें हमने नाइट्रिफिकेशन देखा, डीनाइट्रिफिकेशन देखा। डीनाइट्रिफिकेशन जो कि हमारी रिडक्शन होती है और ये हमारी ऑक्सीडेशन होती है। इसके अंदर हमने बैक्टीरियाज की इन्वॉल्वमेंट देखी, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। और रिडक्शन में हमने नाइट्रेट रिडक्टेस के बारे में देखा और हमने नाइट्राइट रिडक्टेस के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने असिमिलेशन की बात की और फिर उसके बाद हमने असिमिलेशन के बाद एनामोक्स बैक्टीरिया की बात की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन।